70 लाख रुपए फी एक मैनेजमेंट कोटे से स्टूडेंट आता है, तो क्या वो वर्थ इट है 70 लाख रुपए इन्वेस्ट करके? आप बता रहे हो 18 से 20 लाख का मीडियम प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट सेल है आपका, वो कब से आप लोगों के साथ काम करना स्टार्ट कर देता है? कोडिंग कल्चर के बारे में बताओ, यहाँ पे कब से स्टार्ट होता है, क्या लैंग्वेजेस सिखाए जाते हैं, यहाँ स्टार्टअप्स को लेके किस तरीके का माहौल है, क्या यहाँ पे कोई इंक्यूबेशन सेल भी है, इसमें क्या फंडिंग के लिए भी कोई इनिशिएटिव लेता है? नमस्कार, स्वागत है आपका कॉलेज रिव्यू अनफिल्टर्ड के एक नए एपिसोड में। आज हम हैं बैंगलोर के आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। अगर आप बैंगलोर में बीटेक कॉलेजेस की बात करो तो बैंगलोर के टॉप 5 कॉलेजेस में इसका नाम है। तो यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स से हम बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसा खास है इस कॉलेज में जिसके लिए बच्चे इतना उसको प्रेफर करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम दीक्षित है। ओके, साइबर सिक्योरिटी ब्रांच। साइबर सिक्योरिटी ही पढ़ाई कर रहे हो आप? ओके, ठीक है। तो इतना हाइप क्यों है आरवी कॉलेज का, मतलब ऐसा क्या है इसमें जो इतना बच्चे इसको प्रेफर करते हैं? इसको इसीलिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं मेरे हिसाब से क्योंकि इसका प्लेसमेंट रेशियो बहुत अच्छा है। जो आप अगर प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो ये ऑन एन एवरेज 15 to 20 का मीडियम दे देता है। मीडियम प्लेसमेंट 15 से 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए का मीडियम दे देता है हर साल। तो इसके वजह से ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं लोग इसको। एडमिशन का क्या क्या तरीका है आरवी कॉलेज में? एडमिशन आप या तो KCET से कर सकते हो या कॉमेट के या फिर मैनेजमेंट कोटा होता है। ओके, KCET मोस्ट प्रेफरेबल है। KCET से आई थिंक कि जो कर्नाटक स्टेट के बच्चे हैं वो लोग एडमिशन ले सकते हैं, राइट? नहीं, KCET से वो लोग भी ले सकते हैं जो कर्नाटक में ऑलरेडी 2 साल पढ़ चुके हैं। ओके, 2 साल अगर और 12th अगर तुम लोग इधर से कर चुके हो या फिर 7 इयर्स का क्राइटेरिया होता है। अगर तुम लोग 7 साल कर्नाटक में पढ़ चुके हो तो तुम KCET लिखने के लिए एलिजिबल हो। ओके, और कट ऑफ क्या जाता है जनरली KCET के? थ्रू जनरली कट ऑफ जनरल मेरिट का अंडर 1500 बंद हो जाता है। ओके, एंड कॉमेट के थ्रू? कॉमेट का मोस्टली 2000 या 2200 में, 2200 में ये सिर्फ CS ब्रांच का बंद होता है। और अगर आप ओवरऑल कॉलेज की देख रहे हो तो फिर ऑलमोस्ट 6K। और मैनेजमेंट कोटा से फी क्या जाती है यहाँ पे? मैनेजमेंट कोटा CS और IS के लिए थोड़ा बहुत हाई है, फिर भी कितना होगा? उसके लिए अराउंड 64 to 72 lakhs पड़ता है। 72 लाख रुपीज तक, मतलब ओवरऑल, राइट? मैनेजमेंट कोटा। अगर एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू बच्चा आता है तो उसकी फी क्या होगी? अगर आप कॉमेट के से आते हो तो आपका 2 लाख फीस हो जाता है और हॉस्टल सेपरेट होता है। हॉस्टल का 1,11,000 पर ईयर बता रहे हो आप? हाँ, पर ईयर। ओके, और अगर आप KCET से आते हो तो KCET में ऑलमोस्ट 1,11,000 होता है पर ईयर की, पर ईयर की फी। मुझे जरा सा ये समझाओ कि जैसे 70 लाख रुपए फी एक मैनेजमेंट कोटे से स्टूडेंट आता है तो क्या वो वर्थ इट है 70 लाख रुपए इन्वेस्ट करके? आप बता रहे हो 18 से 20 लाख का मीडियम प्लेसमेंट है, तो क्या वर्थ इट है वो? मेरे हिसाब से तो अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स पे जाती है ना। okay. कि अगर आप इतने अमीर हो कि आप अफोर्ड कर सकते हो तो ऑफकोर्स करना चाहिए क्योंकि ये बैंगलोर का टॉप कॉलेज में एक माना जाता है। तो ऑफकोर्स, अच्छा, तो आप मुझे ये समझाओ जरा सा, ऐसे 3 तरीके हैं एडमिशन लेने के लिए, तो क्या तीनों के बैचेस अलग चलते हैं या एक साथ ही पढ़ाया जाता है? सारा इंटीग्रेटेड होता है। जैसे तुम्हारा क्या होता है, 50% आपको गवर्नमेंट सीट्स अलॉकेट होते हैं जिसमें KCET और कॉमेट की आती है, ठीक है, और 50% मैनेजमेंट सीट्स अलॉकेट होते हैं। तो वो सारे एक ही बैच में पढ़ते हैं, एक ही साथ बैच में पढ़ते हैं। और नॉर्थ एंड साउथ का क्या कॉम्बिनेशन है, कितने बच्चे होंगे जो नॉर्थ इंडिया से आए हैं? नॉर्थ इंडिया से ऑलमोस्ट 60-40 रख लो, 60, हाँ, डिफर करता है। ओके, मतलब 60% कर्नाटक के, 60% कर्नाटका और 40% रेस्ट ऑफ इंडिया से। कोडिंग कल्चर के बारे में बताओ, यहाँ पे कब से स्टार्ट होता है, क्या लैंग्वेजेस सिखाए जाते हैं? कोडिंग कल्चर तो तुम्हें फर्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर अगर तुम्हारा फिजिक्स बैच है तो ये होता है कि सी तुम्हारा मैंडेटरी होता है, तो सी तो प्राइमरी लैंग्वेज है, तुम्हें सीखना ही है मैंडेटरी। ओके, फिर तुम केमिस्ट्री साइकिल में जाते हो, तो केमिस्ट्री साइकिल में जावा, C++, पाइथन या वेब डेवलपमेंट में से किसी एक को चुनना मैंडेटरी होता है। तो तुम वो अपने हिसाब से चुन के मॉडिफाई करते जाते हो। आप कुछ ऐड करोगे इसमें कोडिंग कल्चर पे या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे? बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आप 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक सीख चुके होते हैं। ओके, और सेकंड ईयर में CSE डिपार्टमेंट जो भी इसका रिलेटेड है, जावा कंपलसरी है। ओके, इसमें डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स वो कंपलसरी आप सीख जाओगे। ओके, और बहुत सारे ये भी है कोडिंग क्लब्स, तो उनमें सीनियर्स का बहुत गाइडेंस होगा, चाहिए तो ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ये हैकाथॉन्स होता रहता है। हैकाथॉन्स वगैरह कितने टाइमली होते हैं? मान लो 2 हफ्ते में एक हो जाते हैं। 2 हफ्ते में एक हो जाता है, ग्रेट। अब मुझे जरा ये समझाओ कि जहाँ पे बाकी कॉलेजेस जो है वो काफी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने प्लेसमेंट्स को लेके, इंडस्ट्री का भी जो कंसर्न है वो ये है कि एक तो करिकुलम आउटडेटेड है, जो करिकुलम बीटेक स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है वो आउटडेट हो चुके हैं, इंडस्ट्री में उनकी डिमांड ही नहीं है। तो यहाँ पे आरवी कॉलेज ने अपने करिकुलम को किस तरीके से इंटीग्रेट किया हुआ है कि 18 से 20 लाख का मीडियम प्लेसमेंट जा रहा है? आपको क्या लगता है कि किस तरीके का इंटीग्रेशन किया हुआ है इन्होंने अपने सिलेबस? तो मैंने हमारी कोर्स से जितना देखा है तो मैंने वो देखा है कि हमारा मोस्टली कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग होता है और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग अभी इंट्रोड्यूस कराया गया है हमारे बैच के लिए। जैसे 26
का बैच जो है 2026 का, तो इसमें प्रोजेक्ट बेस्ड इंटीग्रेशन हो चुका है जिसमें आपको ये है कि हर एक सब्जेक्ट के लिए जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके लिए एक मैंडेटरी प्रोजेक्ट बनाना होता है जो आपका ओवरऑल 40 मार्क्स का लेते हैं, इंटरनल 40 मार्क्स पूरा वो कंसिस्ट करता है। ओके, तो अगर आप वो नहीं कर पाते तो आपको सिर्फ 60 मार्क्स मिलता है। ठीक है, उसके वजह से एक तो वो रीज़न हो गया कि तुम्हारा प्रैक्टिकल बेस्ड इंप्लीमेंटेशन और प्रोजेक्ट बेस्ड इंप्लीमेंटेशन उन्होंने पार्ट ऑफ द प्रोसेस ही बना दिया। हाँ, उसको पार्ट ऑफ द प्रोसेस इंस्टेड ऑफ लाइक तुम्हें करना है नहीं करना है, ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी कर दिया। ये है कि इनका रीच और कनेक्शन ज़्यादा है, जैसे सिस्को इंटीग्रेटेड है हमारे कॉलेज के साथ। फिर तो इंटीग्रेशन ये है किस तरीके का, मतलब अगर मैं रियल लाइफ में समझना चाहूँ कि अगर सिस्को इंटीग्रेटेड आप कहते हो तो क्या मतलब बनता है इसका, क्या है सिस्को इंटीग्रेशन? मतलब मिलके कुछ प्रोजेक्ट्स बनाता है। अच्छा, मिलके अगर ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट और एमजी कार कंपनी, वो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर रिसर्च कर रहा है, ऐसे मर्सिडीज भी इंटीग्रेटेड है हमारे साथ। तो मर्सिडीज क्या करती है, ऑलमोस्ट हमारी R&D डिपार्ट या तो उनके R&D डिपार्टमेंट्स जो बैंगलोर है उसमें वो लोग मतलब यहाँ के स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं अपने पूरे प्रोसेस। हाँ, अपने पूरे प्रोसेस में या फिर इनके प्रोजेक्ट्स में से कुछ आइडियाज़ या फिर इनको इंटर्नशिप का ज़्यादा मौका देते हैं। ओके, फिर इनको अपनी फैसिलिटीज़ देते हैं, जैसे अंदर मर्सिडीज़ की कार्स भी हैं। ओके, जो मैकेनिकल स्टूडेंट्स ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं उनको सीख रहे हैं कि वो कैसा बिल्ड हो रखा है, कि बिल्ड क्वालिटी क्या है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी चलती है और उनकी मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट सब कैसा है। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि रियल लाइफ एप्लीकेशन है यहाँ, जो भी पढ़ाई हो रही है प्लस इन्होंने इंडस्ट्री के साथ टाई अप किया हुआ है, तो बच्चा जो पढ़ रहा है उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है वो साथ साथ लेके चल रहा है, राइट? हाँ जी। ओके, ठीक है, अब आते हैं, चलो करिकुलम को आपने अच्छे तरीके से कर लिया, इंडस्ट्री और एकेडमिया का जो लिंकेज होता है उसको आपने एस्टैब्लिश कर लिया। दूसरा आता है कि यहाँ पे फैकल्टीज़ कैसी हैं। जब मैं ये पूछता हूँ कि फैकल्टीज़ कैसी हैं, तो क्या फैकल्टीज़ यहाँ पे ऐसी भी है जिनके पास कॉर्पोरेट का भी एक्सपीरियंस है या केवल ऐसी ही फैकल्टीज़ है जिनके पास टीचिंग एक्सपीरियंस? जहाँ तक हमने पढ़ाया, जैसे हमारा तो फर्स्ट ईयर कम्प्लीट हो गया है, तो हमारा ऑलमोस्ट फैकल्टीज़ जिससे हम पढ़ चुके हैं उनका यही है कि वो कॉर्पोरेट में ऑलमोस्ट 10 to 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस लेके फिर अपनी PG कम्प्लीट करके या PhD कम्प्लीट करके यहाँ पे आए हैं हमें पढ़ाने, और यहाँ पे वो हमें पढ़ाते भी हैं और साथ साथ उनकी रिसर्च भी चलती रहती है या वो पेपर्स भी बहुत सारे पब्लिश करते हैं। अभी कॉर्पोरेट में कितने लोगों ने काम किया होगा, क्या ऐसा कोई डिस्कशन होता है कि उनके पास कॉर्पोरेट का भी एक्सपीरियंस है तो अपना एक्सपीरियंस वो शेयर करते हो? हाँ, एक है हमारा मैकेनिकल प्रोफेसर जो थे वो DRDO में काम कर चुके हैं। ओके, और HAL में काम कर चुके हैं, और साइबर सिक्योरिटी का प्रोफेसर वो भी साइबर कंपनीज जो होते हैं जो सिक्योरिटी ऑफर करते हैं लैब्स के थ्रू उसमें काम कर चुके हैं। ओके, उसमें रह के रिसर्च कर रहे हैं। और ये टीचिंग मेथोडोलॉजीज कैसा है, कितने पोर्शन मतलब प्रैक्टिकल पे कितना फोकस रहता है, थियोरेटिकल पोर्शन कितना होता है, जरा सा इस पे बताओ आप मुझे। प्रैक्टिकल होता है उसमें कि फर्स्ट ईयर में अभी तक उतना नहीं है। ओके, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में लैब पे बहुत फोकस करते हैं। ओके, जो कोडिंग का स्पेशली उसके एप्लीकेशन पे बहुत फोकस्ड है। ओके, सिर्फ थियरी के नॉलेज से नहीं कर सकते, और जॉब इंटरव्यूज में भी प्रैक्टिकल नॉलेज मांगते हैं। और सॉफ्ट स्किल्स पे कितना फोकस है इनका, क्या फर्स्ट ईयर में कोई सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग वगैरह के लिए किया गया आप लोगों को? वो डायरेक्ट आपकी सॉफ्ट स्किल्स शायद सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर में आएगा, जब आप प्री प्लेसमेंट ऑफर ग्रैप कर रहे हो तो उस टाइम काम आता है, तो इसीलिए सॉफ्ट स्किल्स वहाँ काम आता है। अच्छा, फर्स्ट ईयर में ऐसा कुछ करिकुलम का भी पार्ट नहीं, ऐसा कुछ है ना सर? अच्छा, और ये जो प्लेसमेंट सेल है आपका वो कब से आप लोगों के साथ काम करना स्टार्ट कर देता है? फर्स्ट ईयर से। और किस तरीके से काम करना स्टार्ट है? हाँ हाँ, उसमें सारे मतलब ब्रोशर सब भेजते रहते हैं। ओके, क्या स्किल्स आपको डेवलप करना है, ओके, इन सब वेबसाइट से आप कर सकते हैं, ये सब कोर्सेस अवेलेबल है, आप इससे चुन सकते हो। ओके, गाइड करते हैं। ओके, तो वो कोर्सेज क्या कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं या आपको खुद से परचेस करना होता है? जैसे अगर कोई एडिशनल कोर्स लेना है स्टूडेंट को, जो ये बता रहे हैं कि बताया जाता है कि ये स्किल्स के लिए आप ये कोर्सेज ले सकते हो? नहीं, वो कोर्सेज कॉलेज प्रोवाइड नहीं करता। ओके, वो बस गाइड कर देता है, राइट? गाइड कर देता है कि ये फिलहाल बेस्ट कोर्स है और इसके हिसाब से तुम्हें प्लेसमेंट मिल सकता है या इंटर्नशिप मिल सकता है। ठीक है, कुछ बड़ी कंपनीज का नाम बताओगे जो यहाँ पे आती है हायरिंग के लिए? सिस्को हो गया, इंफोसिस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, मर्सिडीज भी आती है। और आप कोर सीएस से वहाँ बताओ? अमेजोन आता है। अमेजोन आता है, हर बार आता है। अच्छा, हर बार आता है, और अडोबी आता है। ओके, और बोइंग आता है। ओके, एयरबस आता है। ओके, हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या रहा था लास्ट ईयर? पिछले साल का हाईएस्ट प्लेसमेंट 88 लाख रुपीज था, राइट? वो अभी पढ़ ही रहे हैं, वो अभी ग्रेजुएटेड नहीं है, तो उनको PPO मिला है क्या? जो हमारे व्यूवर्स हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो आप लोगों को जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, जैसे 17-18 लाख का मीडियम प्लेसमेंट है आपका, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो ऐसे कॉलेज में पढ़ रहे हैं जहाँ पे मीडियम प्लेसमेंट 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रुपए की, राइट? तो कुछ ऐसे टिप्स बताओ या कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज बताओ आप जो आप लोगों को आपके फैकल्टीज बताती हो जिससे कि ये बच्चे भी खुद को अपस्किल कर पाए। भाई, एक तो तुम्हारा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो गया। ओके, कोडिंग वगैरह और कहाँ से सीख सकते हैं ये लोग, आप लोग कहाँ प्रैक्टिस करते हो? कोडिंग
मोस्टली अभी तो मैंने सी और जावा सीखा है, तो उसको मैं या तो रेप्लिट यूज़ करता हूँ कोड करने के लिए, और लीड कोड से आप प्रॉब्लम्स कर सकते हो, या फिर गीक्स फॉर गीक्स, W3 स्कूल्स, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है जिससे आप कोडिंग सीख सकते हैं। आप कुछ ऐड करोगे? और इनका एक स्किल लैब चलता है, फर्स्ट ईयर में होता है और सेकंड ईयर में भी होता है। दो वीक्स का टोटल बता रहे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक सिखा देते हैं, हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, आईटी फंडामेंटल्स एंड कोडिंग कल्चर दोनों को टू वीक्स में समराइज करके सिखा देते हैं। इंटर्नशिप्स की क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं? आप लोगों ने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया अपना, तो कितनी इंटर्नशिप्स मिली आप लोगों को? तो इंटर्नशिप के लिए आपको बहुत सारी मेल्स आते हैं, जैसे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत अच्छी है, तो वो ऑलमोस्ट बहुत सारी मेल्स भेजते रहते हैं हमें कि ये इंटर्नशिप ओपन है, ये रेफरल होता है, तो हमारे कॉलेज के थ्रू रेफरल्स जाते हैं। तो इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है, मतलब हम ये अपन लोग फर्स्ट ईयर में ना, तो सेकेंड ईयर से स्टार्ट होता है। और सीनियर्स कितने अप्रोचेबल है? सीनियर्स तो काफ़ी अप्रोचेबल है, मतलब हेल्पफुल है वो। जहाँ तक मैंने पूछा है, जब मैं एडमिशन ले रहा था तो बहुत गाइडेड थे वो कि कुछ वेबसाइट्स हैं, इनसे तुम्हें मौका मिलेगा, इनसे तुम्हें सर्टिफिकेट्स मिलेंगी, तो ये सब कोर्सेज होते हैं, ये सब को कंप्लीट करो, तो बहुत गाइड। एंड व्हाट अबाउट द अलुमनाइज नेटवर्क, आई मीन आर दे रियली इन्वॉल्व? एक मीट होने वाला था, एक फाइनेंशियल अलुमनी है जो फाइनेंस विद शरण को तो जानते हो। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, तो वो हमारे कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट है। अच्छा, आरवी कॉलेज से ही पास आउट है। हाँ, ओके। और उनका एक मीटअप होने वाला था जब हमारा 8 माइल चल रहा था, तो उसमें का मीटअप होने वाला था, पर उनका कुछ इश्यूज थे तो वो आए नहीं पाए। इसका अलुमनाई नेटवर्क आई गेस की बहुत बड़ा होगा, राइट? तो उससे तो बेनिफिट्स मिलते होंगे आपको। हाँ, बहुत वास्ते, पर अभी हमें उतना नेटवर्किंग नहीं मिला। जैसे मेरे को जो पता चला फाइनेंस विद शरण, वो तो उनके थ्रू पता चला है, ठीक है। हमारे इधर तो उतना पता नहीं चला कि कौन कितना पॉपुलर है और कौन से फील्ड में है। अच्छा, मैं समझ गया, मतलब ठीक है। अभी आपका ये कहना है कि अगर अलुमनाइज कनेक्ट पे काम किया जाए तो और बेहतर हो सकता है, राइट? ठीक है। अब एक शिफ्ट, मेजर शिफ्ट देखा जा रहा है इंडिया में कि अब जॉब क्रिएटर बनने की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जॉब सीकर को छोड़। तो यहाँ स्टार्टअप्स को लेके किस तरीके का माहौल है? क्या यहाँ पे कोई इंक्यूबेशन सेल भी है? इसमें क्या फंडिंग के लिए भी कोई इनिशिएटिव लेता है ये यहाँ से, या एंजल नेटवर्क से भी कनेक्ट कराता है, ऐसा कुछ? जैसे मैंने बताया था कि तुम्हारा प्रोजेक्ट बेस्ड होता है और तुम्हें हर एक प्रोजेक्ट मैंडेटरी होता है, तो उसका क्या होता है, जो 40 मार्क्स है उसमें 15 मार्क्स तो तुम्हारे टीचर्स को इवैल्यूएट करते हैं और 25 मार्क्स एक्सटर्नल आके इवैल्यूएट करते हैं। उसमें जो भी बेस्ट प्रोजेक्ट होता है उसको शोकेस किया जाता है और उसका या तो तुम पेटेंट बना सकते हो या फिर तुम्हें उसको लार्ज स्केल इंटीग्रेशन किया जाता है, तो उसके लिए तुम्हें फंडिंग शायद मिल जाएगी। ओके। टीचर्स क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस में पार्टिसिपेट करते हैं? अगर कोई आइडिया है आपके ऊपर बिल्डअप करना है तो क्या कितने अप्रोचेबल हैं वो लोग? हाँ, बहुत अप्रोचेबल। जैसे हमारे मैकेनिकल सर थे, वो PhD के लिए बहुत अच्छा ट्रेन करते हैं, तो ऑलमोस्ट 4 to 5 मेंबर्स हर साल PhD कराते चले आते हैं यहाँ से। मतलब रिसर्च का भी माहौल है यहाँ? हाँ, रिसर्च का भी माहौल है। ओके, ठीक। कैंपस लाइफ कैसी है यहाँ की? कैंपस लाइफ, फेस्ट वगैरह कैसी होते हैं यहाँ पे? हाँ, फेस्ट तो बहुत अच्छा गया है। जैसे हमारा हो चुका है 8 माइल एक बहुत बड़ा फेस्ट था, तो वो तो ठीक था। स्ट्रिक्टनेस कितनी है यहाँ पे? स्ट्रिक्टनेस उतना नहीं है। स्ट्रिक्टनेस नहीं, नहीं। अटेंडेंस, व्हाट अबाउट अटेंडेंस? अटेंडेंस थोड़ा सीरियस है। कितना है? 85% है। और अगर आप कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हो तो 75% तक चल जाता है वो, राइट? ठीक है। कितने क्लब्स होंगे टोटल यहाँ पे? 15 to 20 होगा। म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, स्पोर्ट्स हो गया। बैच की स्ट्रेंथ क्या है? एक क्लास में कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं आपके यहाँ? अभी टोटल CS का स्ट्रेंथ है 225। ओके। उसमें तीन बैच है, तीन सेक्शंस में बटे हुए हैं। अच्छा, ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा ये बताओ, जैसे अच्छी अच्छी बातें तो बहुत सारी हो गई है ना, यहाँ पे कुछ शॉर्टकमिंग्स होंगी, राइट? तो कुछ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दो जिससे कि RV कॉलेज और इम्प्रूव कर पाए। इससे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक तो ये हो गया कि अब ये डेवलपमेंट स्टेज में है। ओके। ये पूरा डेवलप नहीं है। बट कॉलेज तो काफी पुराना है, 1964 का है आई थिंक। हाँ हाँ, मतलब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ही है। जैसे अगर ऑडिटोरियम देखोगे, ऑडिटोरियम पे इंफ्रास्ट्रक्चर उधर उस टाइम से अभी तक अपग्रेड नहीं किया गया। क्लासरूम्स वगैरह क्या, स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, AC वगैरह है? क्लासरूम्स एकदम अच्छा है, क्लासरूम्स एकदम अपग्रेडेड है और नए नए बिल्डिंग्स बन रहे हैं। ठीक है। तो अभी इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, राइट? इसके अलावा कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक? स्पोर्ट्स का बता रहे हो आप लोग, स्पोर्ट्स की अपॉर्चुनिटी तो नहीं है, मतलब है, एमिनिटीज भी उतना नहीं है। एमिनिटीज उतना है नहीं फिलहाल कि जैसे एक ग्राउंड है तुम्हारा बस, और उसी ग्राउंड में तुम्हारा वॉलीबॉल, क्रिकेट और सब हो जाता है। अच्छा, एक ही ग्राउंड में सब कुछ चल जाता है? एक ही ग्राउंड में सब चल जाता है, पर अभी बन रहा है वो, फिलहाल पता नहीं कब तक बनेगा। अब थोड़ा सा मुझे ये समझाओ आप कि जैसे मान लो कि यहाँ पे किसी बच्चे ने एडमिशन लिया, ठीक है, कोई ऐसे टिप्स बताओ जिससे कि अगर नया बच्चा आ रहा है तो उसका जो पूरा कैंपस लाइफ हो थोड़ा स्मूथ रहे। टिप्स तो यही है कि यहाँ मतलब स्पोर्ट्स का उतना फैसिलिटीज नहीं है। ओके। और ये आउट ऑफ बैंगलोर रीजन है, तो फिर तुम्हें
घूमने के लिए यहाँ कुछ मिलेगी नहीं, पर कनेक्टिविटी अच्छा है, तुम्हें कनेक्टिविटी आराम से हो जाएगी बैंगलोर के हार्ट तक। कैंपस लाइफ तो एवरेज मान लो। आई होप जो भी क्वेश्चंस होते हैं आप किसी भी कॉलेज को शॉर्टलिस्ट करने से पहले, वो हमने कोर्सेज की एक एक करके रिजॉल्व करने की, इसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो आप बेहिचक होकर हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो। कोशिश करेंगे अपनी बेस्ट ऑफ कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग डाउट्स को रिजॉल्व करने की। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए।